subscribe now and press the bell icon never miss an update सभी को गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल YouTube चैनल में मैं राजीव आप सभी का वेलकम करता हूं और जो मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैसे हम बात करते हैं सोनम ओझा निगेंद्र राव ऐश्वर्य गुप्ता अमित सोनी सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सभी लोगों को सुप्रभात सभी लोग खुश रहे हैं ना एक शेयर पहले से ही कह रहा हूं आपके पास जो भी मीडियम है सोशल साइट्स का चाहे इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो ट्विटर हो वट हो वहाँ पर सेशन को ज़रूर शेयर करें क्योंकि सभी लोग तक ये पहुँचे ओके okay? और प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें है ना आज का जो सेशन होने वाला है बहुत खास होगा क्योंकि आज से बस हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं आर की तैयारी करना स्टार्ट ओके मैं डेली कुछ ना कुछ खास लेके आऊंगा आपके लिए क्योंकि हमारा पर्पस बस एक ही है मिशन सिलेक्शन ओके तो सभी को गुड मॉर्निंग दीपू बघेल गुड मॉर्निंग अंजलि सोनी गुड मॉर्निंग नागिन गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग ओके आरआरबी का मैं स्पेसिफिक बैच लेके आ रहा हूं क्योंकि यहां मैं जुड़ता हूं डेली आपके साथ सिर्फ आधे घंटे के लिए है ना और आठ तारीख को मैं बैच बैच लेके आ रहा हूँ याद रखिएगा शाम को सात से आठ बजे ठीक है सिर्फ उसमें क्या होगा कोई टाइम की लिमिट नहीं रहेगी कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा मल्टीपल बार हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है और डेली वो होगा वन टू एक घंटे ठीक है मंडे टू सैटरडे कोई डाउट यहां तक किसी को नमस्ते रश्मि नमस्ते गुड मॉर्निंग प्रीति धर्मेल गुड मॉर्निंग एम सो so, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अंजलि गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग है ना तो प्लीज और प्लीज मैं कहना चाह रहा हूं उसमें हम बहुत बच्चों को नहीं रखे सिर्फ रखे ओनली फिफ्टी कैंडिडेट्स को उस बैच के लिए है ना क्योंकि होता क्या है जितने टारगेट रहेंगे उसको हमको इजी रहेगा बताने के लिए ठीक है और उसमें मैक्सिमम सीटें जा चुकी हैं तो प्लीज और प्लीज कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है तीन सौ रुपए है ना इस क्लास की वैलिडिटी रहेगी करीब 51 डेज गेटिंग यानी संपूर्ण आरआरबी हम वहां डिस्कस करेंगे है ना और जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं तो कम से कम सितंबर के बाद हम लोग सारे चीज रिवाइज कर पाएंगे और मैं एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से करना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही मैं जो भी क्वेश्चन देता हूं दिखाता हूं ठीक है ना उसको आप पढ़ते हैं बनाते हैं बहुत अच्छा सेशन खत्म होने के बाद कम से कम उसे एक बार जरूर दोबारा रिकैप देखिए और नोट करिए आप लिखोगे ना तो चीजें याद होती हैं हम लोग पहले याद लिखते थे तो चीजें याद हो जाती थी ठीक है सभी लोग लोग जुड़ जुड़ चुके चुके हैं हैं सेशन सेशन में जितने लोग चुके हैं को लाइक जरूर करें पूजा खंडेलव गुड मॉर्निंग सत्यम गुड मॉर्निंग सभी को ओके तो आज का थॉट्स डेली की तरह आज का दो तो थॉट्स देखते हैं क्या और हाँ वन थिंग मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो लोग आज पहली बार शो में जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं क्लास के बाद जो भी क्लास का पीडीएफ होता है चाहे वीडियो होता है मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूं आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे राजीव मिश्रा एट द रेट ऑफ जी राजीव मिश्रा जी आप सर्च करोगे आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे ठीक है वहां पर क्या होता है डेली क्विज होता है डेली डिस्कशन होता है और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन ऑफ बैंक और एसएससी अदर ओके हम लोग वहां सारे डिस्कस करते हैं ठीक है आप मेरे फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं राजीव मिश्रा जी पर वहां भी मैं डेली चीजों को अपडेट करता हूं ओके तो स्टार्ट किया जाए आज का थॉट बार अच्छा है बहुत खास आदमी का है जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं हार कभी नहीं माननी चाहिए हार कभी नहीं माननी चाहिए हमें परेशानियों को खुद को हराने नहीं देना चाहिए मतलब कहने का आप कभी डिमोटिवेट ना हो कि नहीं हम ये काम नहीं कर पाएंगे और हम सट डाउन ऐसा नहीं है आपके पास जो भी डाउट आता है जो भी आपको परेशानी आती है उसे कभी हारिए नहीं Even उसको आप हरा दीजिए है ना अगर मेरा वीक है अगर मुझे मुझे याद नहीं नहीं होता है अगर मेरा आ, नहीं हो पाता मिक्स कहते है, ठीक है? और ये कहा किसी ने किसने कहा था अब्दुल कलाम जी ने ओके तो सभी लोग स्टार्ट हो जाइए पूजा मिश्रा मैं परचेस नहीं कर पाऊंगी बेटा क्या इशू है इवन आप उसमें मेरा कोड डालेंगे ई जीरो तो याद रखिएगा जो भी प्राइस देखेगा आपको उसमें भी आपको टेन परसेंट क्या होगा बेटा डिस्काउंट हो जाएगा ठीक है स्टार्ट करिए सेशन की सभी लोग रेडी हो जाइए कॉपी पेन हो सके तो ले लीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा ओके क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा आज हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन हमने रखे हैं स्टैटिक है, के कुछ क्वेश्चन रखे हमने करंट के ठीक है डिस्कस करें हेमा गुड मॉर्निंग पूजा गुड मॉर्निंग रविंद गुड मॉर्निंग ओके स्टार्ट करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन जल्दी से चैटबॉक्स में आके बताइए अभी हाल ही में कोरोना तो था ही अभी हाल ही में चीन में एक नया वायरस ईजाद हुआ न्यूज़ में आया उस वायरस का नाम क्या है कोशिश करिए कि टाइम में ही आप आंसर दें मैं सभी से कह रहा हूँ कोशिश करना है आपको टाइम में ही आंसर दें चाइना में कौन सी महामारी अभी हाल ही में वायरस के रूप में फिर दोबारा हुई कोविड नाइन्टीन तो था ही नया कौन सा आ गया सर मेरे पास नहीं है तो बेटा पूजा खरीद लीजिए उसको कोई बहुत चीज़ें नहीं आप शॉप पे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे जीए राइडर का एक आरआरबी का बैच आप वहाँ उसे खरीद सकते हैं ठीक है ओके सिमरन गुड मॉर्निंग तो इसका आंसर क्या होगा टाइम्स अप हो गया ध्यान से देखिएगा अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा होगा जी फोर क्या न्यूज़ में आ रहा है जी फोर जैसे कोविड नाइन्टीन एक वायरस था ना और याद रखना ये जो जी फोर है ना ये पिग कहते हैं ना पिग यानी हम बात करते हैं अगर सुअर हिंदी में कहते हैं उसको सुअर उससे होने वाला है बेसिकली ठीक है ना तो याद रखना उस वायरस का नाम बेटा क्या है जी फोर उस वायरस का नाम बेटा क्या है जी फोर कोशिश करना है सभी लोगों को कि सेशन के लास्ट में इसी वीडियो के नीचे आप डालेंगे सर हमारे इतने सही हुए और हमारे इतने गलत हुए मुझे देखना चाहता हूँ और साथ में आपका जो भी टॉपिक वीक है आपका जो भी टॉपिक वीक है आप वहां भी उसे मैंशन करें सर ये मेरा वीक है उसे मैं एक सेशन लेके आऊँगा टमोरो मैं लेके आ रहा हूं जून जुलाई का डेट्स बहुत लोगों को डेट्स याद नहीं होता उनके लिए मैं सेशन लेके आऊंगा टुमारो ठीक है अगला क्वेश्चन ध्यान से उस पूरा जी का नाम क्या है जी फोर ई एच वन एन वन याद होगा आपको एच वन एन वन एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो बेसिकली किससे रिलेटेड होता है बेटा सुअर वाले से पिग वालों से ठीक है उसी का ये मॉडर्नाइज नेम nice है दैट इज कॉल्ड जी फोर जी फोर चाइना जी फोर चाइना न्यू वायरस ठीक है अगला बहुत फेमस है भाई ये तो ये तो बहुत फेमस होता है सुना होगा आपने Oscar का नाम क्या सुना है आपने आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा है ना विच टू बॉलीवुड एक्टर द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस किन दो अभिनेताओं को मोशन आर्ट्स एंड साइंस अकेडमी ने शामिल होने के लिए इन्वाइट किया याद रखिएगा ऑस्कर का नाम बहुत फेमस है हर साल कुछ ना कुछ अवार्ड होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन होते हैं और कहते हैं बहुत सही चीज होती है अगर जिसका नाम आता है ऑस्कर में ठीक है ना अब जरा सोचना उसी में ज्यूरी पैनल होती है ठीक है उनमें से दो ऐसे भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में इन्वाइट किया गया कि आप भी अपने वोट्स उसमें दे सकते हैं ठीक है थीके? वह दो नाम कौन है जल्दी से बताइए आंसर आंसर टाइम्स खत्म हो चुका है आंसर सुनिए वो कौन है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन याद रखना 2020 का ऑस्कर होने वाला है हुआ नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट वर्ड आंसर हमारा क्या है आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ कुछ डिटेल्स हैं जो पहला एकेडमी अवार्ड दिया गया था बेटा याद रखना वो दिया गया था 1929 में 1929 में पहला अवार्ड दिया गया था ठीक है और याद रखना दे विल हैव टू वोटिंग प्रिविलेज टू द 93rd थर्ड अकेडमी मतलब कहने का आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को जो नेक्स्ट ईयर होने वाला ऑस्कर अवार्ड उसमें अब वोटिंग के राइट्स होंगे यानी हमारे यहाँ से मिला चार क्वेश्चन पहला हमारा क्या मिला कि ऑस्कर जो अवार्ड हुआ था फर्स्ट टाइम बेसिकली कब हुआ तो हम उसको कहेंगे 1929 में हुआ दूसरा कौन से दो भारतीयों को शामिल किया गया तो हम कहेंगे आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को शामिल किया गया तीसरा जो अकेडमी अवार्ड होगा नेक्स्ट ईयर दैट इज कॉल्ड ट्वेंटी में वह कौन से नंबर का था तो हम कहेंगे उसको कितने नंबर का था वो नाइनटी ओके और होगा कब हम बात कहें तो टू में ओके okay, यहां तक सभी का क्लियर प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें सर हेल्प मी सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा मॉर्निंग से से का एक काम करना आप चैनल को सब्सक्राइब किए होना वहां पे देखना एक बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर दीजिए ठीक है तो आपका जो भी क्लासेस के सेशन होंगे ना आप मैं डेली जुड़ता हूं याद रखना मॉर्निंग टेन थर्टी पर मैं डेली ऐड होता हूं टेन थर्टी में मॉर्निंग में ठीक है वहां से हो जाएगा बाकी कोई दिक्कत हो तो, तो हमें कॉल करिएगा इस टूल फ्री नंबर महेंद्र रास के ठीक है आगे चलते जल्दी से वेरी गुड नेक्स्ट वन ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए अभी इस पे हमने एक सेशन भी लिया था दो तीन दिन पहले कितने ऐप को प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें कहा गया था कि इन ऐप से हमारी सिक्योरिटी इंटीग्रेटी हमारी खराब होती है हमारे दखल होता है इसलिए भारतीय ने क्या भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया इन सारे ऐप पर बैन लगा दिया उसमें सबसे ज्यादा फेमस था आपका नाम पता ही होगा आपको टिकटॉक

ठीक है और याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में पॉइंट है बेटा इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने काम मना किया याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चाइनीज ऐप पे बैन किया कितने ऐप थे बेटा फिफ्टी नाइन इसमें जो सबसे बड़ा ऐप था वो कौन था टिकटॉक जिसका करीब इंडिया में टेन करोड़ यूजर थे जस्ट इमेजिन कि टेन करोड़ यूजर का डेटा लीक होने के चांसेस थे सोचो जस्ट इमेजिन तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों के लिए सही भी है बहुत कुछ हो रहा है आ, सीमा पर ठीक है नेक्स्ट वन व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस वैक्सीन कैंडिडेट जल्दी से कोविड नाइन्टीन चल रहा है कहीं ना कहीं बात करते हैं वैक्सीन की स्टार्ट, स्टार्टिंग हो चुकी है कि हमारे देश में इसका ट्रायल स्टार्ट होगा तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनस वैक्सीन कैंडिडेट भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन प्रोडक्ट का नाम क्या था जल्दी से बताइए और प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें मैक्सिम लोगों तक पहुंचाए फिफ्टी नाइन अब ये तो हो गया बेटा है, ठीक है <coughs> सॉरी उसका नाम क्या है याद रखना अगले वीक में मैं इसी वीक में क्या मैं एक सेशन भी लेके आने वाला हूँ कोविड नाइन्टीन पर क्योंकि कोविड नाइन्टीन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना हो सकता है कि आरबी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन हैवी पूछे जाए ठीक है ना तो इसका आंसर क्या होगा याद रखना इसका जो आंसर है सबसे लास्ट वाला है दैट इज कॉल अगर मैं बात करता हूँ तो क्या आंसर हमारा है कोवाजिन कोवाजिन उसको कहते हैं यह पहला भारतीय यह पहला भारतीय वैक्सीन ट्रायल रूप में हमारे देश में स्टार्ट होगा और यह होगा दिल्ली में ये कहाँ पर होगा बेटा दिल्ली में उसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं इसको ध्यान से देखिए जरा पहला भारतीय यानी स्वदेशी इंडिजिन मतलब क्या होता है बेटा स्वदेशी स्वदेशी जो कि कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के लिए है इसका नाम क्या बेटा है अगर मैं बात करता हूँ इसका नाम बेटा क्या है देखिए कोवैक्सिन ठीक है ये कहाँ पर डेवलप हुआ बेटा हैदराबाद में आया ठीक है और किस कंपनी ने किया बेटा तो भारत बायोटेक भारत बायोटेक और किसके द्वारा किया आई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी यहाँ से देखिए कितनी सारी डेटा हमें मिली ठीक है पहला उस वैक्सीन का नाम क्या होगा दैट इज कॉल्ड कोवाजिन दूसरा कहाँ पे डेवलप हुआ तो हैदराबाद में डेवलप हुआ तीसरा कौन सी कंपनी थी तो हम कहेंगे भारत बायोटेक का कंपनी थी और नेक्स्ट वन किसके कोलेबरेट से हुआ तो हम क्या कहेंगे आई सी एम आर यहाँ तक बेटा सभी का क्लियर सभी लोग सही हो रहा है सेसन अभी तक बहुत लोग लाइव हैं लेकिन बहुत लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक ज़रूर करें आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ठीक है पंद्रह अगस्त को लंच हो सकता है क्या अमित प्रोबेबिलिटी है ऐसा नहीं कि लॉन्च होगा ही ये ट्रायल होगा फिर देखते हैं आगे क्या होगा ब्रिटिश बायोटेक मेड दिस नेम कोवासिन हाँ वेरी गुड सिद्धार्थ वेरी गुड बहुत सही बहुत सही ठीक है श्वेता वेरी गुड अदिति वेरी गुड ओके देखो यही होता है जितना तो ना एक आंसर दोगे उतना पता चलेगी कि आंसर कहाँ गलती होने के चांसेज है ना एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते हैं याद रखना हमें ऑप्शन बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं गेटिंग नेक्स्ट वन ये क्वेश्चन तो बहुत न्यूज़ में आया हर पेपर में द हिंदू की बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें दैनिक जागरण की बात हर पेपर में आया था ऐसे कौन से नेता ऐसे कौन से नेता पर ईरान ने कहा कि वारंट वारंट जारी कर दिया मतलब आपने हमारे देश में कुछ गलत किया तो आपको हम जारी करेंगे अरेस्ट वारंट याद रखना बहुत पहले ईरान में अमेरिका ने इनका ड्रोन से हत्या की थी हत्या नहीं मतलब इनको मार गिराया था ठीक है जनरल कौसम सुलेमानी करीब जनवरी की घटना है ये ठीक है तो उसी के वजह में ईरान ने कहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उनको अरेस्ट वारंट उनका अरेस्ट वारंट याद देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा इसको ठीक है यानी वह आदमी कौन सा है सोचो ईरान किसी से डरता नहीं है ईरान किसी से डरता नहीं है ठीक है अब जरा तो ध्यान से देखिए कुछ डिटेल्स मैं कहना चाह रहा हूँ ठीक है सबसे पहले ईरान की कैपिटल बेटा क्या है तो हम कहेंगे तेहरान है वेरी गुड ईरान की करेंसी क्या है तुम कहेंगे बेटा ईरानियन रियाल की बात करते हैं और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है बेटा तो हम क्या कहेंगे हसन रूहानी हसन रूहानी याद रखना पहला पॉइंट किनको मारा गया था तो हम कहेंगे क्या खसान सुलेमानी नंबर वन नंबर दो किन पे अरेस्ट ऑर्डर किया गया दैट इज कॉल अमेरिका नंबर तीन वहां की करेंसी का नाम है तो हम क्या कहेंगे बेटा ईरानिया रियाल नंबर चार वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है बेटा तो हम क्या कहेंगे हसन रूहानी याद रखना मैं हर एम में सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं हर एम में उस क्वेश्चन से भी क्या रहेगा मैं क्लियर ऑप्शन के रूप में करूंगा तो प्लीज 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 जो भी लगे काम का डेटा है आप उसे जरूर नोट करें ठीक है नेक्स्ट वन श्वेता वेरी गुड रश्मि वेरी गुड ओके डोनल्ड ट्रम्प यू एस ए वेरी गुड ओके जनरल कासिम सुलेमान हा वेरी गुड ओके आप लोग का एफर्ट बहुत अच्छा ई फॉर एजुकेशन हसन रूहानी हा वेरी गुड ठीक है नेक्स्ट वन <coughs> दो हजार सत्ताईस आशिया एशियन कप होता है फुटबॉल में याद रखना है किससे रिलेटेड है बेटा फुटबॉल में तो कहना है इसमें कौन सी कंट्री ने कहा कि मैं भी वह प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं अपने देश में यानी इनमें से कौन सी दक्षिण एशियाई देशों ने कहा है कि दो हजार सत्ताईस में एशिया कप के लिए हम अपनी बोली लगाएं हम बिडिंग हमको भी होना चाहिए मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा मैं भी उसको ऑर्गेनाइज करूंगा अपने देश में जल्दी से बताइए सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं लाइक अरे भाई अमित अगर आपको अच्छा लगा तो हमें अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर करना है

जो एशियन फ़ुटबॉल कन्फ्रेशन एशियन कप की बात करते हैं एक इंटरनेशनल एसोसिएशन होता है जो फ़ुटबॉल से रिलेटेड है याद रखना ए एफ़ सी के से रिलेटेड बेटा फुटबॉल से रिलेटेड है दूसरा इंडिया ने बिड किया है कि हम भी दो हज़ार सत्ताईस का प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और याद रखना उनके साथ चार और कंट्रियों ने भी ऑर्गेनाइज के पार्टिसिपेट किया बिड के लिए उसमें क्या क्या ईरान उज्बेकिस्तान कतार सऊदी अरेबिया मैं जल्दी से जाऊंगा आप लोग बताएं चैटबॉक्स में कतर की राजधानी क्या है कतर की राजधानी क्या है जल्दी से बताइए चैटबॉक्स में कतर की राजधानी क्या है जल्दी से कतर की राजधानी क्या है यार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करो आप जितना सेशन को लाइक शेयर करोगे उतना मैं मोटिवेट रहूंगा बहुत ज्यादा याद रखना आपका एक सेशन लाइक हमारा हमें बहुत मोटिवेशन देता है ठीक है जल्दी से बताना है आपको कतर का राजधानी क्या है कतर की राजधानी क्या है कैपिटल ऑफ कतर इज नोन एज क्या कहते हैं उसको जल्दी से जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद दोहा वेरी गुड विहानसन देखो सही आंसर दे दिया आंसर इज कॉल दोहा ओके चलो नेक्स्ट वन याद रखना पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्या क्या चीजें निकल के आई हमारी पहला सत्ताईस में इंडिया पार्टिसिपेट करने के लिए बिट लगाया और भी कितनी कंट्री है तो चार कंट्री है दैट इज कॉल ईरान उज्बेकिस्तान कतर और सऊदी अरेबिया नेक्स्ट वन ए एस ए एफ सी किससे रिलेटेड है तुम क्या कहेंगे बेटा किससे रिलेटेड है फुटबॉल से नेक्स्ट वन ध्यान से अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीन दिन पहले दो दिन पहले चार जुलाई को एक ऐप लॉन्च किया उस ऐप का नाम क्या है ध्यान से अभी हाल ही में दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप लॉन्च किया उस ऐप का नाम क्या है क्या उसका नाम आत्मनिर्भर ऐप है कोरोना ऐप है स्वच्छता ऐप है क्या है बताइए जल्दी से याद रखना मैं सेशन में एक ले आने वाला हूँ बहुत जल्दी आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत में क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है ठीक है ओके सॉरी मनीला करेंसी है करेंसी है क्या हाँ ठीक है ओके okay. सेशन को प्लीज शेयर करिए आप मैक्सिमम लोगों तक है ना ओके okay. याद रखे ना इस वर्ड की बात करते हैं हर जगह कहा जा रहा है लोकल में वोकल सेल्फ इंडिपेंडेंट रहो तो मोदी जी ने कहा कि लोकल लेवल में जो हमारे माइग्रेंट वर्कर भी स्टेट से आ रहे हैं अलग से आ रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ काम दिया जाए है ना तो उन्होंने एक ऐप डेवलप करने की बात कही है उस ऐप का नाम क्या है आत्मनिर्भर भारत ऐप याद रखना उस ऐप का नाम क्या है बेटा आत्मनिर्भर भारत ऐप उसमें कहा गया है कि लोकल लेवल में देखिए ध्यान से लोकल लेवल में जो भी डेवलपर हैं वो उसको क्या करेंगे बनाएंगे जैसे किसी भी काम को चाहे हम वर्किंग को लेकर बात करें यानी हम क्षेत्रीय लेवल की बात करते हैं वहाँ पर ये ऐप डेवलप होगा लोकल के द्वारा इससे क्या होगा हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे ठीक है ओके वेरी गुड अंजलि सही है सतना सही है श्वेता सही है सभी लोग का देखो यही होता है और लास्ट में आपको बताना है कि सर हमें इतना मार्क्स स्कोर हुआ मैं फिर से बता रहा हूँ मैं बहुत मेहनत करके क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए कि आपको याद रहे याद रखना करंट को आप सब स्ट्रेटेज के रूप में याद मत कर रहे करंट को आप कैसे याद क्या करिए सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे कोई सबमिट होने वाला है तो उसे लिख ले कि क्या क्या आने के चांसेस हैं क्योंकि थीसिस नहीं होगी बहुत ज्यादा है ना चलो ओके नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लीज सेशन को जरूर शेयर करें है ना इंडियाज फॉरन एक्सचेंज एक याद होगा टर्म होता है बेटा याद रखना फॉर पहले बता दो आंसर जल्दी से कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में कितने नंबर पर है सिक्स सेवन एट फिफ्थ और नाइन जल्दी से ए, आ, फिल्म कर दिया गाय हाँ ठीक है और बताइए मुस्कान वन दीपसिखा वन हरिओम वन ठीक है गौरव वन रश्मि वन ठीक है याद रखना एक होता है बेटा फॉरेक्स याद रखना इंडिया में जो फॉरेक्स है बेटा वो आरबीआई मेंटेन करती है और अभी हम अगर बात करते हैं तो जो हमारा फॉरेक्स है लगभग है 500 बिलियन डॉलर कितना लगभग 500 अरब रुपया 500 अरब डॉलर हमारे पास क्या है हमारे देश का फॉरेक्स याद रखना जो फॉरेक्स होता है उसको कहते हैं बेटा फॉरेन रिजर्व विदेशी मुद्रा का भंडार जो कौन रखता है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखता है और साथ में याद रखना जो फॉरेक्स होता है उसमें क्या क्या होता है बेटा गोल्ड होती है फॉरन करेंसीज होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं ओके okay? और एक टर्म होता है जो जो मैंने बोला था ना आईएमएफ आईएमएफ में दैट इज एसडीआर बेटा जो की करेंसी है इन सब की बात करते हैं सबको मिला देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं हमारा फॉरेक्स ओके okay? यानी याद रखना इसका जो आंसर होगा हमारी पोजीशन क्या है बेटा फिफ्थ नंबर पर है ठीक है और ध्यान से देखिएगा अभी हमारी कितने पास हमारे पास लगभग है पांच अरब डॉलर नंबर वन नंबर वन किसके पास है चाइना दूसरे पे जापान तीसरे पे स्विटरलैंड चौथे पे रसिया डेटा बेटा किसका है आईएमएफ आईएमएफ का हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है वॉशिंगटन डीसी इसमें कितने हैं बेटा? 189, okay? आगे चलते हैं, है? नए राज्य जोड़े गए हैं वन रेशन वन कार्ड में कितने नए स्टेट्स को ऐड किया गया जल्दी से बताइए आप लोग बॉक्स में आ जल्दी से रिसेंटली फर्स्ट जून को हाउ मे स्टेट एडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जल्दी से संजय डबल फाइव ठीक है? है प्लास ऑन एन फेव पाँच सौ हाँ ठीक है प्लास क्योंकि वो एकदम करंट डेटा है सॉरी सर मेरा गलत देखो मैंने क्या बोला गौर अब गलत होना कोई इशू नहीं है हम युद्ध फाइट करेंगे तभी तो जीतेंगे अगर जहाज पानी में ना जाए और डरे कि अगर हम पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे तो फिर जहाज़ किस काम का एरोप्लेन्स होते हैं ना अगर वो फ्लाइट ना करे फ्लाई नहीं करे तो फिर किस बात का एरोप्लेन तो गलत होना कोई इशू नहीं है ठीक है ना ओके हाँ चलो आंसर देखते हैं इसका क्या है जल्दी से समझते हैं अब जरा समझना ये क्या है जल्दी से मान लो मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ मान लो मैं रहने वाला बेटा कहाँ का हूँ मध्य प्रदेश का और मैं किसी कारण से हम आए हैं वर्तमान में काम करने मान लो लखनऊ में ठीक है समझना ध्यान से अब जरा सोचना कि मैं रहने वाला एमपी में हूँ और मैं वर्तमान में रह रहा हूँ लखनऊ में और अचानक ड्यू टू कोरोना ड्यू टू कोरोना हम स्टेक हैं रुके हुए हैं हम बाहर नहीं जा पा रहे अपने घरों में तो क्या हमें जो राशन मिलती है गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पर क्या हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए तो सरकार ने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए इसीलिए एक प्लान स्टार्ट किया गया और नाम दिया गया उसका क्या एक मुल्क एक राशन कार्ड मतलब आपका राशन कार्ड बेटा कहीं का भी हो आप कहीं भी अनाज ले सकते हैं भारत सरकार से एक सब्सिडी के माध्यम से ठीक है ना याद रखना इसमें क्या क्या है इसमें कुछ पॉइंट्स फाइन्स मैं इसको देखता हूँ जल्दी से क्लियर यानी नाम सही लग रहा वान नेशन, वान वन नेशन वन राशन कार्ड नंबर वन कुछ पॉइंट्स क्या क्या सबसे पहले देखते हैं क्या एक जनवरी दो हजार उन्नीस को इसमें करीब बारह राज्यों को शामिल कर लिया गया ओके फिर दोबारा पांच को और शामिल किया गया और अभी हाल ही में किया गया है तीन और राज्यों को तो बेटा कितना हो गया बारह प्लस पाँच प्लस तीन यानी हम कह सकते हैं कि बारह प्लस पाँच सत्रह और सत्रह प्लस तीन हम क्या कहेंगे बेटा अभी यानी हम कह सकते हैं कि ट्वेंटी राज्य ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं किस स्कीम में बेटा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में नंबर वन और अभी और भी तीन राज्य स्टार्ट होने वाले ऐड होने वाले हैं अगस्त के बाद ठीक है उसमें कौन कौन से हैं नागालैंड उत्तराखंड और मणिपुर यानी हम कह सकते हैं बेटा कि वर्तमान में ट्वेंटी राज्य जो हैं वो ऐड हो चुके हैं और तीन और राज्य ऐड होंगे यानी ट्वेंटी थ्री राज्यों में आप अपने राशन कार्ड के माध्यम से राशन ले सकते हैं कोई बिना रोक टोक के ठीक है यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर वेरी गुड ओके रश्मि वेरी गुड श्वेता वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सेशन को लाइक करो और शेयर जरूर करो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाए क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है सभी लोगों के लिए ठीक है आई होप सो मज़ा भी आ रहा होगा आपको है ना और एक मैं और भी रिक्वेस्ट करता हूं जब सेशन पूरा हो जाता है ना तो आप होता है क्या समय कम रहता है है ठीक ना आप सेशन को दोबारा किया करिए कि तो नहीं गई और जो लगे काम का हो सके याद कर लीजिए ठीक कप और न्यूजीलैंड में होगा कब होगा वही बता पाएगा जिसको पता होगा पिछला कब होगा जल्दी से टाइम्स पूरा होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप लेडीज का फीफा वर्ल्ड कप लेडीज का मेन का याद होना हो फीमेल फी, का जरूर याद रखिए ठीक है, है फीफा वर्ल्ड कप लेडीज का कहाँ पर होगा सच ए ग्रेट सेशन सर बोले ना जयप्रकाश थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरा बस एक ही उद्देश्य है मेरा बस एक ही पर्पज है बेटा याद रखना थीसिस नहीं मैं बिलीव करता हूँ बस मिशन सिलेक्शन में पिछले दस सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ ठीक है थीसिस नहीं ओनली मोटो क्या है हमारा मिशन सिलेक्शन जहां भी डाउट हो बेटा टेलीग्राम चैनल भी आप जुड़ जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे जो भी डाउट हो वहां पे हमसे पूछे मैं जरूर बताऊंगा आपको ठीक है वहाँ बहुत सारे देखिएगा हमारे मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर हैं जस्ट लाइक है फैमिली मेंबर वो बताते नहीं होता फिर मैं हेल्प कर देता हूँ ठीक है आंसर देखिए ध्यान से देखो गलती बहुत लोगों का गलत हुआ है समझ लो बहुत लोग का सही भी हुआ है जैसे सुजाता गरुण सही हुआ ठीक है गरुण मोनिका का गलत हुआ मुनका का सही हुआ ठीक है ऋतुराज सेठ सही हुआ ठीक है समझना लौ, लौ, समझना ध्यान से एकदम लॉजिकल चीजों को ठीक है 2019 में हुआ था जिसमें यूएसए जीता था अगर याद होगा 2019 में हुआ था जो जीता कौन था बेटा यूएसए और 2023 में होगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है वो कितने साल में होता है चार साल में कितने साल में चार साल में तो जो नेक्स्ट होगा वो कब होगा दो में यहां तक सभी का क्लियर बेटा यानी हम कह सकते हैं कि जो आंसर हमारा क्या है 2023 नेक्स्ट वन ध्यान से समझना ठीक है इसको ध्यान से समझ कुछ पॉइंट्स इसमें हैं फीफा महिला विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है दो मुल्क करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ठीक है और याद रखना 25 जून को एसोसिएशन ने घोषणा की गई यानी हम कह सकते हैं पिछला हुआ हमारा इसमें कौन जीता यूएसए में अगला कहाँ पे होगा 2023 में हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो यहां बताइए जल्दी से आप लोग न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है जल्दी से वॉट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड वॉट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड जल्दी से न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है मैं जानना चाहता हूँ जल्दी से न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या, क्या है जल्दी से बताओ बहुत आसान सा है मैडी एट ऑल वेलिंगटन क्या है वेलिंगटन ध्यान से और याद रखना पे हुआ हुआ था पिछली बार फ्रांस में हुआ था जीता कौन यूएसए में अगला कहाँ होगा दो मुल्क में होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पता नहीं कौन जीतेगा देखने की बात पता चलेगा कौन जीतेगा ठीक है नेक्स्ट वन अभी हाल ही में एक राज्य है जिसने कहा है कि वहां के जो लॉयर हैं वहां के जो लॉयर हैं उनकी आ, उनका डेली रूटीन नहीं चल पा रहा ड्यू टू तो सम फाइनेंशियल क्राइसिस है ना पता ये कोर्ट सारे बंद हैं सारा उनका काम रुक गया है तो उस राज्य ने कहा है कि हम अपने यहाँ के लॉयर्स को कुछ ना कुछ स्टाइपन देंगे कुछ ना कुछ अमाउंट देंगे मंथली तो वह स्टेट कौन सा है जल्दी से वह स्टेट कौन सा है हाँ सर था वेरी गुड थैंक यू जेके वेलिंगटन है कंचन वेलिंगटन है वेरी गुड बहुत सही बहुत सही वह सर बहुत सही थैंक यू याद रखना तमिलनाडु ने भी हाल में ही कहा है तमिलनाडु ने भी हाल में ही कहा है कि हमारे यहाँ के कोई भी लॉयर क्योंकि उनको पता होगा अप्रैल में लॉकडाउन रहा मई में लॉकडाउन रहा जून से अनलॉक वन के रूप में खुला है लेकिन चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज अभी नहीं हुई है तो उनको सरकार याद रखना तीन हजार रुपये देगी हर मंथली और देती रहेगी अगले एक साल तक अगले एक साल तक देती रहेगी नौ रुपये थ्री थाउजेंड रुपीज़ रुपये और याद रखना वह स्टेट कौन सा है दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु दैट इज कॉल्ड तमिलनाडु ठीक है अगला क्वेश्चन जल्दी से आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भाजपा से कौन बना है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया याद रखना ये जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है ना इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा ये जिनेवा में है यू का न्यूयॉर्क में बट इसकी बात जो हो रही है वो कहां पर है बेटा जिनेवा में ठीक है ओके आंसर इसका क्या है याद रखना इंद्रमणि पांडे इंद्रमणि पांडे नेक्स्ट वन जल्दी से और याद रखना इसमें फाइव परमानेंट मेंबर होते हैं चाइना फ्रांस रसिया यूके और ठीक है इसमें पांच मेंबर ऐसे हैं संयुक्त राष्ट्र में जो परमानेंट मेंबर हैं नंबर दो अभी वर्तमान में हम अगर बात करते हैं कितने मेंबर है बेटा में वन नाइनटी थ्री मेंबर हैं और इसमें अगर बात करें इस हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा न्यूयॉर्क में यहां तक चीजें क्लियर हुई वेरी गुड ठीक है आगे नेक्स्ट वन अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक स्टार्ट किया प्लाज्मा थेरेपी होती है कोविड नाइन्टीन के लिए जो लोग रिकवरी कर लेते हैं उनको उनके उनके सेल्स निकाल के हम उनको सही करने की कोशिश की जा रही है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया है जल्दी से एमपी है दिल्ली है कर्नाटका है यूपी है क्या कौन सा है जल्दी से आंसर दिल्ली है क्या होती देखिए प्लाज्मा कैन बी डोनेटेड प्लाज्मा कैन बी डोनेटेड बाय द कोविड नाइन्टीन रिकवर पेशेंट मतलब कहने का कि जो भी पेशेंट कोविड नाइन्टीन के से रिकवर हो गया है उनके बॉडी से कुछ टिश्यूज़ निकाल के हम उस पर ट्रांसप्लेंट कर रहे हैं वो कहाँ होगा दिल्ली में होगा ठीक है नेक्स्ट वन जल्दी से विच यूनियन मिनिस्ट्रीज सेट टू द लॉन्च द कैशलेस स्कीम फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम विथ इंश्योरेंस ऑफ रूपिस्ट हो अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु होती है रोड में तो कौन से स्टेट किस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आपको हम अढ़ाई लाख रुपये का क्या देंगे बेटा कंपनसेसन वह ऐसा कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम है हेल्थ है रोड ट्रांसपोर्ट है जल्दी से सीहो ठीक है दिल्ली हाँ ठीक है ओके ओके ठीक है ठीक है अब जरा ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा याद रखा ना अभी हाल ही में कहा गया है अगर आप रोड में आपकी तो आपको गवर्नमेंट क्या देगी लाख रुपए का इंश्योरेंस स्कीम वो मिनिस्ट्री कौन सी है याद रखना कंफ्यूजन नहीं करना है बहुत लोग लो मारेंगे हेल्थ में बट आंसर क्या होगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नेक्स्ट जल्दी से अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सूक्ष्म उद्योग के लिए एमएसएमई के लिए कितना पैसा दिया है तो दिया हुआ है सात सौ पचास वह कौन सी संस्था है आईएमएफ है वर्ल्ड बैंक है यूएनओ है इनमें से कोई नहीं जल्दी से जल्दी से मिनिस्ट्री ऑफ रोड है ठीक है याद रखना आंसर इज वेरी कॉमन वर्ल्ड बैंक ने स्मॉल मीडियम यानी सूच में लो क्ष्मस्ट्री की बात कर रहे हैं उसके लिए लोन दिया है लगभग कितना सेवन सेवन हंड्रेड फिफ्टी मिलियन डॉलर द लास्ट वन नेक्स्ट वन जल्दी से अभी हाल ही में भारत और किस देश ने उन्तीस जून दो को पहली संयुक्त उद्यम पन्न परियोजना पर हस्ताक्षर किया है जल्दी से यानी कौन से दो कंट्रिया ने भारत के साथ एक के साथ मिलकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर साइन किया है जल्दी से कौन सा मुल्क है इंडिया एंड विच कंट्री साइन द फर्स्ट ज्वाइंट वेंचर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट वह कंट्री की करेंसी है, मैं हैंड दे रहा हूं वह कंट्री की करेंसी कैपिटल है थिम्फू वह कंट्री की करेंसी कैपिटल क्या है थिम्पू आंसर क्या होगा हमारा भूटान वह कंट्री कौन सी है भूटान वह कंट्री कौन सी है भूटान ओके ठीक है नेक्स्ट वन भारत और भूटान इस परियोजना के 2025 के दूसरी छावे पूरा करने की यानी योजना पूरा बेटा कब होगा 2025 में योजना की पूरा होने के चांसेस होते हैं ठीक है नेक्स्ट वन आज का होमवर्क आज का होमवर्क और याद रखना आपका जो होमवर्क है वो बताया कहाँ पे जाएगा आपको डालना कहाँ पे है बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल में राजीव मिश्रा जी ए राजीव मिश्रा जीए में जाएंगे और वहाँ पे इसका आंसर डालेंगे जो टॉप थ्री होंगे मैं फिर बोल देना चाहता हूँ जो टॉप थ्री होंगे उनका नाम मैं कल दूंगा उनका नाम मैं कल लाइव सेशन में लूँगा ठीक है टॉप थ्री जो होंगे और ध्यान से मैं फिर से कह रहा हूँ आप सभी लोग इस चैनल में ज्वाइन कर लीजिए जो भी डाउट है बेटा जी से रिलेटेड वो छूटेगा नहीं ये मेरा कमिटमेंट है भरोसा रखना अपने दोस्त पर ठीक है ओके बैच की डेट क्या है आठ जुलाई टाइमिंग क्या है सात से आठ में ठीक है जो भी डाउट रहे आप जीए में यहाँ समय कम रहता है वहाँ समय कम नहीं रहेगा आपका जो भी डाउट है वहाँ बताइए और आपका जो भी टॉपिक वीक है